तो हेलो दोस्तों, न्यू ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। और यहाँ पे दोस्तों छत पे ये सावे है जो कि सूखने के लिए रखा गया है। और वहाँ पे आप देखिएगा तो एक जगह धान और एक जगह वो दाल वगैरह रखा गया है सूखने के लिए। एक्चुअली सूखने के लिए इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें जो अनाज वाले जो कीड़ा होता है हमारे गाँव में उसे घुन कहते हैं, तो इसमें ना लगे उसको लेकर इसमें सुखाया जाता है। या फिर बरसात का मौसम होता है तो ये नमी के कारण ये सड़े ना, इसके कारण भी इसे सुखाया जाता है। तो ये रहा धान जो कि आप देख सकते हो सूखने के लिए छत पर रखा गया है। और इधर जो देखिएगा तो ये दाल है जो कि उसको खेसारी कहा जाता है, तो ये दाल सूखने के लिए रखा गया है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि वो सूखने के बाद कहाँ पर रखा जाता है। तो ये रहा मेरा छत पर का रूम, और इसमें आपको दिखाऊँ तो इसमें जो अनाज वगैरह रखा जाता है स्टोर के लिए, और ये डिब्बा वगैरह है इसमें ये रखा गया है। इसमें धान है जो कि अलग टाइप का धान होता है, ये कम उपज होता है तो ये धान इसमें रखा गया है। तो इसमें हमें लगता है बासमती का होगा बिछन के लिए, धान को रोकने के लिए रखा होगा इसमें। या फिर हो सकता है इसमें एक और धान होता है गमरी, वो इसमें रखा हो सकता है। और इसके बाद इसमें भी धान है दोस्तों, तो ये अच्छे क्वालिटी का ये धान है क्योंकि बिछन के लिए रखा गया होगा। और इसमें आपको दिखाऊं तो इसमें वही खेसारी है। इसमें आपको बता दें तो इसमें है सरसों, और भी चीज़ वहाँ पे रखा गया है जो कि आप देख सकते हो उस डब्बे में। इस डब्बा में क्या रखा गया है तो इसमें भी राई या फिर सरसों मसाले के लिए। और इसमें क्या रखा है हमें पता नहीं है, इसमें क्या रखा है तो इसमें वही गमरी धान रखा गया है। और ये रहा मेरा भतीजा जो हमेशा मोबाइल में ही लगा रहता है। तो दोस्तों ये जो है बिजली के लिए टावर बनाया गया है, यानी कहते हो पोल, इस पर बिजली सप्लाई होगा। और आप जूम करो तो वहाँ पर भी दोस्तों, तो वहाँ से जब आ रहा है वहाँ है, वहाँ है, और यहाँ पे ये है। और उसके बाद इधर जाइएगा तो इधर भी है, मतलब ये पोल का मतलब तार को जोड़ा जाएगा। जैसे कि जूम करूँ तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर इसके सामने में जो है पेड़ पौधा ना आए, तो मतलब जो जितना जितना भी पेड़ आया है सभी को काट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके आसपास में पेड़ वगैरह मतलब आगे बढ़कर इसे डिस्टर्ब वगैरह ना हो। तो दोस्तों तो कि ये रहा पोल और इसके सामने में है पेड़, तो सारे पेड़ को काट दिया गया ताकि भविष्य में इसमें कोई तकलीफ वगैरह मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके कारण यहाँ पर भी देख सकते हो, और आगे दिखाऊं तो वहाँ पर भी देख सकते हो ये पेड़ यहाँ पर कटा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर पेड़ कटा जा रहा है। ये जो पोल आप देख रहे हैं ये मतलब नेपाल की तरफ से आया है। मेरे गांव से ये जो है इधर साइड में 5-6 किलोमीटर आने पर नेपाल बोर्डर आ जाता है, तो नेपाल से ही ये मतलब ये आया हुआ है। अब नेपाल में बिजली सप्लाई करेगा या फिर नेपाल से आएगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आज बारिश भी हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों की पानी वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है। और गाँव में आपको बता दें कि अभी जो है धान को रोपने के लिए पहले उसको बिछन का तैयार किया जाता है, तो उसको लेकर पहले पानी की आवश्यकता होता है। तो पानी की आवश्यकता को लेकर यहाँ पर देख सकते हो कि ये पीछे में मेरे बोर्डिंग है, जो कि बोर्डिंग में आपको बता दें कि पाइप लगा दिया गया है इससे कि मतलब पानी पटाने में सुविधा हो। ये रहा बोर्डिंग, और यहाँ पे पाइप लगाकर वहाँ पे मतलब जो बिछन तैयार किया जा रहा है धान को, फिर बाद में उसको रोपा जाएगा। तो वहाँ पर बिछन जो है वहाँ पर पानी पटाया जा रहा है यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा, मतलब जो जिसका भी है वो लोग अपना पटा रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा बिछन। अब हम आ गए अपने घर। तो दोस्तों ये रहा करेला। तो दोस्तों ये सब्जी अपने बाड़ी से मैं तोड़ रहा हूँ, मेरे घर के सामने ही ये बाड़ी है जो सब्जी वगैरह उगाते हैं अपने खाने के लिए, ताज़ा ताज़ा सब्जी। अब चलते हैं, करेला बस दो ही मिला है। और ये रहा मेरा सब्जी बाजार, सॉरी सब्जी का ये बाड़ी है सब्जी वाला। सजमन वगैरह फरा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर भी। और यहाँ पर देख सकते हो अपना ताज़ा सब्जी गांव में उगाने के लिए खाने के लिए उसको हम लोग रोपते हैं।
यहाँ भी खड़ा हुआ है, यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा बाड़ी, जिसमें करेला, सजमन जिसको आप लौकी कहते हैं, और नेनुआ जिसको आप घिवरा कहते हैं वो, और भिंडी, मिर्ची, टमाटर, यानी कहे तो जो ज़रूरत के सामान है यहाँ पर, जैसे टमाटर वगैरह का पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, साग वगैरह यानी कि अपने ताज़ा खाने के लिए। और ये रहा देखो तो ये, इसको सिसकमरा कहते हैं हमारे इधर। तो दोस्तों अब हो गया है शाम, तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो आप वीडियो कहाँ से दे रहे हो कमेंट में ज़रूर बताएं।